हेलो डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब सो आई होप आपने अब तक हमने जो नाइन चैप्टर के पी प्रोवाइड किए हैं वो सॉल्व कर लिए होंगे इसीलिए उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर टेन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पी पार्ट वन आज के सेशन में हम ट्वेंटी फाइव एम सॉल्व करेंगे सेशन स्टार्ट करने के टाइम पे वीडियो को पॉज करो आंसर लिखो फिर अपना आगे सल्यूशन देखो फिर से वीडियो को पॉज करो आंसर लिखो फिर सोल्यूशन देखो ऐसा करने के बाद लास्ट में 25 फाइव एम होने के बाद आपको चेक करना है आपके कितने एम राइट आए हैं और फिर आपको करेक्ट कमेंट uh, करके बताना है कि टोटल आपके कितने करेक्ट आंसर्स हैं और कितने इनकरेक्ट आंसर्स है जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस कंपेयर कर सको अगर आपने अब तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपको फ्री मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा यस yes, ज्ञान लैब ऐप पे आपको दो मॉक टेस्ट हमने फ्री दिए हुए हैं बायोलॉजी के टू फ्री मॉक टेस्ट हंड्रेड एमसीक्यू एमसीक्यूज यानी कि एक मॉक टेस्ट में सौ एमसीक्यू है तो टोटल दो सौ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हमने आपको फ्री में दी हुई है मेरा जो सरप्राइज वाला वीडियो है जो एनिवर्सरी स्पेशल सरप्राइज वाला वीडियो था वो वीडियो जाकर देखो उसमें आपको सब एक्सप्लेन किया गया है कि फ्री वाला मॉक टेस्ट कैसे मिलेगा कहाँ से अपियर करना है और कैसे आप उसको यूज कर सकते हो और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगे कि आपको अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए और मॉक टेस्ट देना चाहिए तो आप हमारा मॉक टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हो जिसमें आपको बायोलॉजी के टेन लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड होंगे विद थाउजेंड एमसीक्यूज एंड यू विल ऑल्सो गेट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज जिसमें पर चैप्टर आपको ट्वेंटी पीवा दिए जाते हैं फ्री मॉक टेस्ट सबको अपियर करना है उसके बाद आप मॉक टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो ताकि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके चलो स्टार्ट करते आज के सेशन के साथ आज के सेशन का पहला एमसीक्यू ये रहा पॉज द वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट अडोलिस अडोलेसेंस मतलब क्या होता है जब बच्चे अडल्ट होते हैं जब उनका एज बढ़ता है फिजिकल ग्रोथ होती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट होता है तो उसको अडोलेसेंस बोलते हैं सो इट इज अ ट्रांजिशनल फेज करेक्ट इट अकर्स बिटवीन प्यूबर्टी एंड लीगल अडल्टुड करेक्ट इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू टू थर्टीन ईयर्स ये इनकरेक्ट है अपना अडोलेसेंस एज कितना होता है टेन टू नाइनटीन ईयर्स का सो दिस इज इनकरेक्ट इट इज़ नॉट अ फिक्स टाइम करेक्ट सो ऑप्शन नंबर सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर टू वीडियो को पॉज करो और आंसर लिखो ऑल आर ट्रू फॉर एंटीबॉडीज एक्सेप्ट इसमें से कौन सा कैरेक्टर इनकरेक्ट है एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन करेक्ट दे आर मेम्रेन बाउंड और दे रिमेन फ्री ट्रू दे सर्क्यूलेट थ्रू ब्लड ह्यूमर मतलब क्या होता है ब्लड एंटीबॉडीज ब्लड में सर्क्यूलेट होती है दिस इज ऑल्सो ट्रू दे आर सेंसिटाइज बाई हेल्पर टी सेल्स एंटीबॉडी कौन बनाता है हेल्पर टी सेल्स नहीं बनाते। एंटीबॉडी कौन बनाता है आपके प्लाज्मा सेल्स प्लाज्मा सेल्स से आते हैं? आपके बी सेल्स से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर एंड देन सी द सॉल्यूशन ओके सो अभी इधर क्या दिया है कोकेन अफेक्ट्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड एनिनोजन ओके okay, आपको इसमें बताना है कि कौन से पर्टिकुलर ड्रग से कौन सा इफेक्ट हमको देखने को मिलता है तो इसके लिए आपको सारे ड्रग्स का फंक्शन पता होना चाहिए इसमें से आपको करेक्ट मैच बताना है ठीक है है तो देखो इधर दिया है. आपका ओपियोइड क्या करता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करता है करेक्ट कोकेन का क्या आंसर दिया है कोकेन अफेक्ट योर न्यूरो इट से न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमीटर तो कोकेन का आंसर क्या आएगा

तो आउटर लेयर इज के एंटीजन ठीक है ये हटा दो ये हटा दो सेकेंड कौन सी है आपकी ओ एंटीजन तो सेकेंड एंटीजन दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ओनली ऑप्शन नंबर इज करेक्ट डायरेक्ट आपको डायग्राम से लेबल मैच करना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव पॉज द वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चन इंटरफेरॉन इज अ प्रोटीन इंटरफेरॉन्स कब फॉर्म होते हैं बच्चा लोग जब आपके बॉडी में वायरस का अटैक होता है तो आपके जो वायरली इंफेक्टेड सेल रहते हैं इसमें वायरस का अटैक हो गया है तो ये जो सेल है ये इंटरफेरॉन रिलीज करता है जिसके वजह से आपके जो नेबरिंग सेल्स हैं ये नेबरिंग सेल्स खुद को बचा लेते हैं सो so, इंटरफेरॉन्स की वजह से आपके आजू बाजू के सेल्स प्रोटेक्ट हो जाते हैं इट प्रोटेक्ट अन अटैक्ट सेल्स फ्रॉम वायरस सो इंटरफेरॉन ये आपका इंटरफेरॉन केमिकल क्या करता है ये आपके नेबरिंग सेल्स को बचाता है क्योंकि ये सेल तो मर गया ना इस वायरस के वजह से पर कम से कम जाते जाते दूसरे सेल्स को प्रोटेक्ट करके जाएगा ये सो इंटरफेर प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रोटेक्ट अदर सेल्स फ्रॉम वायरल इंफेक्शन ओके नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉज द वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चन इननेट इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय इननेट इम्यूनिटी मतलब क्या होता है इनबोर्न इम्यूनिटी जो पैदाइशी मिलता है बच्चों को ठीक है इननेट इम्यूनिटी मतलब क्या होता है इन बॉर्न इम्यूनिटी तो इननेट इम्यूनिटी किससे मिलता है एंटीबॉडीज इननेट इम्यूनिटी में नहीं आता है या अक्वाड इम्यूनिटी में आता है दिस दिस इज इज इम्यूनिटी इम्यूनिटी ओनली आपके ब्लड में जो नॉर्मल वगैरह प्रेजेंट होते हैं और माइक्रोफाजिस ये इननेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ओके नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर सेवन पॉज द वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चन देखो डिजीज में से पांच मार्क्स का कम से कम क्वेश्चन आता है इस में में से तो question जितना आप answer करने का का करोगे उतना आपको अपना performance का ग्राफ समझ में आएगा कि आपकी कितनी पढ़ाई हुई है और कितना आपको बुक रीडिंग करना बाकी है यू हैव टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट वेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवेन इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी ट्रू एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी इज अ वेरी स्लो प्रोसेस ये कभी भी फास्ट नहीं होता है इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस जो आपको फुल रिस्पॉन्स दिखाता है सो दिसक्ट स्टेटमेंट एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर ट्रू वेन एक्सपोज टू एंटीजन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी इट इज कॉल्ड एंटीबॉडी एक्टिव एक्टिव इम्यूनिटी करेक्ट सो ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द इन करेक्ट स्टेटमेंट नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर एट चलो जिन ऑर्गेनिजम्स का ब्लड ग्रुप ओ होता है उनके पास कौन सा एंटीजन होता है जिनके पास ओ ग्रुप रहता है दे हैव नो एंटीजन एंड दे बोथ एंटीबॉडीज इन देयर प्लाज्मा सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट ये देखो आपका ओ ब्लड ग्रुप जो है इनके पास एंटीजन एक भी नहीं होता है और एंटीबॉडीज दोनों होता है ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन चलो बताओ निमोनिया लंग्स में पानी भरने के वजह से होता है या फिर लंग्स में इन्फ्लेमेशन होने के वजह से होता है सो निमोनिया इज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ एल्बियोलाय ट्रू द बैक्टेरियम एस टाइफी इज कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया एस टाइफी की वजह से टाइफॉइड होता है निमोनिया के लिए अलग बैक्टीरिया है हमने चैप्टर नंबर फोर में पढ़ा था ना स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। सो so, निमोनिया के लिए निमोनिया के लिए निमोनिया बैक्टीरिया होता है सो ए इज राइट आर इज नॉट राइट सो अजर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स ये राइट right भी नहीं है ये टोटली फॉल्स स्टेटमेंट है नेक्स्ट हाँ देखो इधर दिया है टाइफॉइड किससे होता है साल्मोनेलाटाइफी से निमोनिया किससे होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए से ओके नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोविंग डज नॉट बिलोंग टू इनट इम्यूनिटी डज नॉट आ इसमें से कौन सा इन्ट इम्यूनिटी का पार्ट नहीं है एंटीबॉडीज ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बनता है दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी बाकी सब इन्नेट इम्यूनिटी में होता है बट दिस इज नॉट फॉर्मड इन इन्नेट इम्यूनिटी क्योंकि यह प्लाज्मा सेल से बनता है बी सेल से यह आपको यूमोरल इम्यूनिटी देता है विच इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी ओके नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर इलेवन कौन से पर्टिकुलर इन्फेक्शन कौन से ऑर्गेनिजम में होता है वायरल इन्फेक्शन कॉमन कोल्ड वन का आंसर सी आएगा डायरेक्ट आंसर मिल गया खत्म बाकी ऑप्शन देखो भी मत सेकंड में आपका क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी मैच कर लो। the correct answer will be C only. चलो, next आता है नंबर मतलब क्या होता है जो बच्चे खाना खाना छोड़ देते इमोशनल एगोर्जन टू फूड ट्रू एमेशिया मतलब मेमोरी चली जाती है ट्रू बुलिमिया मतलब क्या होता है लॉस ऑफ एनर्जी नो बुलिमिया में हम बहुत ज्यादा खाना खाते हैं इसमें हम ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं डिप्रेशन में जाके एंड डिप्रेशन मीन सैडनेस तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ओके बिकॉज बुलिमिया में क्या होता है यू ईट एक्सट्रीम इंटेलिजेंस इन द फूड मतलब यू शो एक्सट्रीम इंटेलिजेंस इन द फूड नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर थर्टीन चला पटापटा पटा उत्तर दिया एक प्रश्न साकेंड लगे पाजे

टिक सिस्टम में आपका फिली होता है फिली ओके सो ऑप्शन नंबर सी इज इन करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अभी चलो ये तो फेवरेट क्वेश्चन है एच आई वी वायरस का लेबल करना है अंदर आपका सिंगल स्टैंडर्ड आ रहे हैं ये तो सबको पता है मतलब लेबल नंबर थ्री सिंगल स्टैंडर्ड आ रहे हैं सो ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आ रहे हैं ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आ रहे हैं मतलब ए वाला ऑप्शन कट डी वाला ऑप्शन कट अभी लेबल नंबर वन एंड लेबल नंबर टू अंदर जो आपका लेबल नंबर टू है इट इज अ कैप्सिड प्रोटीन सो लेबल नंबर टू अच्छा ये तो आएगा ही नहीं लेबल नंबर टू इज कैप्सिड प्रोटीन लेबल नंबर इज कैप्सिड प्रोटीन अभी दोनों सेम है अभी आपको खाली फर्स्ट ऑप्शन चेक करना पड़ेगा आउटर प्रोटीन आपका जो आउटर लेयर है वो लिपिड मेम्ब्रेन है या आउटर प्रोटीन है दिस इज लिपिड मेम्ब्रेन क्योंकि आउटर प्रोटीन तो ये वाली लेयर होती है ना दिस लेयर इज योर आउटर मैट्रिक्स आपका आउटर मैट्रिक्स प्रोटीन होता है एंड दिस लेयर इज योर लिपिड कोट सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर देखो एच आई वी का स्ट्रक्चर करेक्ट दिस इज योर लिपिड कोट ओके क्वेश्चन नंबर पॉज द वीडियो राइट द आंसर द सेल्स विच प्रोड्यूस द एंटीबॉडी बाय स्टिम्युलेटिंग बी सेल्स आर नोन एज कौन से सेल्स की मदद से एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट होते हैं देखो बी सेल एंटीबॉडी बनाता है मतलब प्लाज्मा सेल्स की वजह से एंटीबॉडी बनता है बट बी सेल्स को एक्टिवेट कौन करता है हेल्पर टी सेल हमेशा याद रखो हेल्पर टी सेल डिसाइड करता है कि एंटीबॉडी बनाना है या टी सेल्स के क्लोन्स बनाने हैं सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हेल्पर टी सेल्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पर्सन विथ ओ ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स करेक्ट एंटीजन ए एंड बी आर प्रेजेंट ऑन द ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट बट रीजन इज इन करेक्ट इन करेक्ट ओके नेक्स्ट ये देखो क्योंकि आपका जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके पास एक भी एंटीजन नहीं होना चाहिए इधर बोला है कि दे हैव बोथ द एंटीजन तो सीधा सीधा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन इंडिविजुअल्स विद ब्लड ग्रुप ए अभी ये ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो याद रखो आपका जो ब्लड ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप किससे डिसाइड होता है एंटीजन से तो जिसके पास ए ब्लड ग्रुप है दे विल हैव ए एंटीजन एंड दे विल हैव बी एंटीबॉडी इंडर प्लाज्मा सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट आपका ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है और ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है ओनली ऑप्शन नंबर ए इज क्वेश्चन नंबर 18

लेकिन L3 थ्री स्टेज जब मस्किटो काटने आता है तो ये आपके ब्लड से L3 वाला स्टेज सक करता है L1, L2, L3, थी, लार्वल स्टेजेस ओके टू एल थ्री मतलब तो याद रहेगा नहीं तो तुक्का मारना पड़ेगा जय माता करना पड़ेगा चलो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन अबाउट कैंसर फ्रॉम द फोर स्टेटमेंट नेमली कैंसर इज अनयूजल एंड अनिफरेशन ऑफ सेल्स ओके इसमें आपको अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको अलग अलग स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है पहले मैं इधर बता देती हूँ दिस इज स्टेटमेंट नंबर वन दिस इज स्टेटमेंट नंबर टू ये स्टेटमेंट नंबर टू है दिस इज स्टेटमेंट नंबर थ्री इधर से लेके इधर तक इधर पे एक्चुअली नंबर्स कट गए एंड दिस इज स्टेटमेंट नंबर फोर ठीक है सो so, कैंसर के कौन से कौन से स्टेटमेंट राइट right है कैंसर इज अनयूजल यस बिनाइन ट्यूमर इज नॉट

ओके okay, ये आपका अमीबियासिस का लाइफ साइकिल है इसमें आपको डिटेक्ट करना है व्हाट इज दिस अभी ये टेक्स्ट बुक अगर देखा रहेगा तो याद होगा एक्स इज अवर ट्रोफोजॉइड स्टेज एंड वाई इज सिस्ट सी ट्रोफोजॉइड बायो न्यूक्लियर सिस्ट तो ऐसा क्वेश्चन आया तो या तो छोड़ दो या तो तुक्का मार के आ जाओ अगर आपने लाइफ साइकिल नहीं पढ़ा है तो पढ़ा है तो वेरी गुड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू नाउ दिस इज वेरी सिंपल यह आपका वेरिएबल रीजन है ठीक है दिस इज नॉट कॉन्स्टेंट रीजन तो ये गलत है एंटीजन बाइंडिंग साइट यह आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट है करेक्ट वेरिएबल रीजन इसको एंटीजन बाइंडिंग साइट भी बोल सकते हैं दिस इज नॉट हिंज दिस इज वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन नो इन करेक्ट ओनली फर्स्ट ऑप्शन सॉरी सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि इसमें हैवी चेन और लाइट चेन दोनों है ना दिस इज हैवी चेन दिस इज लाइट चेन तो इसमें दोनों आएगा एक ही ऑप्शन से पता चल जाता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री मलेरिया का लाइफ साइकिल कौन सा स्टेज है और ये कौन सा स्टेज है ये सिस्ट वाला स्टेज है ओसिस्ट दिस तो वाई में ऑप्शन में दिया गया है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी ये देखो लेबल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर चलो चलो कमॉन यस स्पेसिफिसिटी क्या होता है सो स्पेसिफिसिटी लिम्फोसाइट वर्क फॉर ईच पर्टिकुलर फॉरेन मॉलिक्यूल डाइवर्सिटी मतलब वेरियस के अगेंस्ट so मतलब अटैक करना सो so वन का आंसर है ए सॉरी पी वन का आंसर आएगा पी टू का आंसर क्या आएगा आर तो एक ही ऑप्शन बचा ना ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट आगे का करने की भी जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट होएगा एलिमिनेशन स्ट्रेटजी यूज करो एंड अच्छा डन ट्वेंटी फोर क्वेश्चन थे ठीक है एक क्वेश्चन कम है कोई बात नहीं चलो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ तुमको आई लास्ट यू वन क्वेश्चन इधर पे लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव मुझे बताओ एच आई वी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए सॉरी एच आई वी ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा थेरेपी यूज़ करते हैं थेरेपी का नाम बताओ एच आई वी ट्रीटमेंट के लिए कौन सा थेरेपी यूज़ किया जाता है एच आई वी पेशेंट्स के लिए कौन सा थेरेपी यूज़ किया जाता है एंड फर्स्ट एच आई वी का पेशेंट कहाँ देखने को मिला था फर्स्ट एच आई वी पेशेंट कहाँ पे मिला था कौन सी कंट्री में मतलब यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द कंट्री तो एच का ट्रीटमेंट के लिए कौन सा थेरेपी यूज होता है एंड फर्स्ट एच पेशेंट कौन से कंट्री में मिला था ये आपका ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में आंसर करना है और टोटल मार्क्स कमेंट करने है देखते हैं किसको किसको आता है बिना चेक किए बताना एच ट्रीटमेंट के लिए कौन सा थेरेपी यूज करते हैं मैं आपको केमिकल्स का नाम नहीं पूछ रही हूँ मैं खाली थेरेपी का नाम पूछ रही हूँ वो थेरेपी का नाम क्या है ठीक है एंड फर्स्ट एच पेशेंट कौन से कंट्री में डिस्कवर हुआ था यस yes? सो so, ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको हमारे मॉक टेस्ट सीरीज में मिलेंगे बिना सोचे ऐसा बोलते हैं ना ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आप मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि जिनकी पढ़ाई हो चुकी है उनके मार्क्स अगर कम आ रहे हैं तो मार्क्स इंप्रूव करने का एक ही ऑप्शन है मॉक टेस्ट जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उतना आपका परफेक्शन लेवल रीच होगा और याद रखो मॉक टेस्ट से जो एग्जाम में रिपीट होते हैं एंड वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की so, very, very कि यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट में अनलिमिटेड अटेम्प है मतलब ये हजार क्वेश्चन आप दस बार पंद्रह बार बीस बार सोल्व कर सकते हो दिन भर सॉल्व कर सकते हो सो मॉक टेस्ट डेफिनेटली सबके लिए बेनिफिशियल प्रूव होगा अगर ये वीडियो अच्छी लगे और आपको टॉपिक अच्छा लगा क्वेश्चंस अच्छे लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र स्टूडेंट के साथ शेयर करो अगर आपने अभी तक तो ज्ञान लैब का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपका फ्री मॉक टेस्ट फिर छूट जाएगा इसीलिए जल्दी जल्दी ऐप डाउनलोड करो और फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाके टेस्ट वाला सेक्शन चेक करो वहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा सो हमारे ऐप पे ज्ञान लैब ऐप पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा जल्दी से जाके मेरा सरप्राइज वाला वीडियो देखो उसमें मैंने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र के स्टूडेंट के साथ शेयर करो क्योंकि अभी 15 दिन भी नहीं बचे एग्जाम के लिए और आपको अभी बहुत सारी प्रिपरेशन करना बाकी है अभी अपना सरप्राइज आएगा मतलब अपना मैराथन लेक्चर चालू होने वाला है मंडे से तो उसके लिए रेडी हो जाओ सब लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सबको फ्री कंटेंट मिले और खुद भी सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स को भी बोलो सब्सक्राइब करने ताकि उनकी सीईटी प्रिपरेशन अच्छी हो सके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना मिलते हैं जल्दी बच्चों पढ़ाई करते रहो क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं बाय बाय